हेलो एंड वेलकम टू वॉच एंड मोर इंडिया। आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त सौरभ चक्रवर्ती, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं वॉच को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। देखिए, जब हम लोग कोई वॉच खरीदते हैं, ऑफलाइन स्टोर से ही हो या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट से ही हो, हमारे पास ऑप्शन नहीं रहता है कि मैं उसको कस्टमाइज करूँ कि कौन सा वॉच फेस के साथ किस टाइप के स्ट्रैप्स या ब्रेसलेट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। कंपनी से जो भी डिज़ाइन होकर आता है वही हम लोगों को खरीदना पड़ता है। उसके बाद अगर आपके साथ आपके और पांच जान पहचान वाले लोग सेम वॉच खरीदते हैं तो सबके हाथ में वॉच सेम जैसा ही दिखता है। तो डेफिनेटली आप अगर एक वॉच कलेक्टर हो, आपके आपके दिमाग में ये बात जरूर चलेगा कि कैसे मैं मेरा वॉच को थोड़ा डिफरेंट लुक दे सकता हूँ। तो ऑफकोर्स वॉच को कस्टमाइज करने का काफ़ी सारे तरीका है, पर सबसे ईजी और सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड डू इट योर सेल्फ टाइप तरीका है उसका स्ट्रैप या ब्रेसलेट के साथ एक्सपेरिमेंट करना। मैं मेरे चैनल पर लेके आने वाला हूँ पार्ट बाई पार्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेसलेट और स्ट्रैप्स के ऊपर डिटेल डिस्कशन, जिसके थ्रू मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, कहाँ से खरीदेंगे, कम्पिटिटिव प्राइस में आप कैसे यूनिक वे में ये सारे ऑफ मार्केट जो ब्रेसलेट्स है या फिर स्ट्रैप्स है कैसे प्रोक्योर कर सकते हैं। आज है इस एपिसोड का पार्ट वन, जिस पे हम कवर करेंगे मेटल ब्रेसलेट। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए दोस्तों, लाइक और शेयर कीजिए। दोस्तों मैं आपको तीन टाइप के ब्रेसलेट अभी दिखाने वाला हूँ। पहला वाला जो है कैसियो ड्यूरो में मैंने जो लगाया है, इसको बोलते हैं ऑयस्टर स्टाइल ब्रेसलेट। ये ब्रेसलेट सेको का बनाया हुआ है। ये एक्चुअली आया था ये सेको 5 स्पोर्ट्स के साथ, जो ग्रीन कलर वाला ऑप्शन है, तो उस पर मैंने दूसरा ब्रेसलेट लगा के उसका जो ब्रेसलेट है उसको मैंने कैसियो ड्यूरो में लगा दिया। ऑयस्टर स्टाइल ब्रेसलेट एक बहुत ही कॉमन टाइप मेटल ब्रेसलेट है। 90% ऑफ द केसेस में जहाँ पे वॉच मेटल ब्रेसलेट के साथ आता है उस पर आपको इस टाइप का ब्रेसलेट देखने को मिल जाएगा। ये ब्रेसलेट का जो यूनिक फीचर्स होता है, इस पे तीन लिंक वाला ब्रेसलेट होता है। इसका जो इनर लिंक है ये थोड़ा साइज में बड़ा होता है और दोनों साइड का जो लिंक होता है वो थोड़ा छोटा होता है। और ऑयस्टर स्टाइल ब्रेसलेट डिफरेंट प्राइस पॉइंट में आपको मिल सकता है मार्केट में। अगर सॉलिड स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है तो वो महंगा होता है, बिल्ड क्वालिटी अच्छा होता है, और अगर ये फोल्डेड लिंक वाला है तो इसका सस्ते में आपको मिल सकता है। दूसरा टाइप जो है ये है प्रेसिडेंट स्टाइल ब्रेसलेट। ये जो मैं सेको स्पीड टाइमर वाला जो वॉच है इसके साथ ये बाय डिफॉल्ट ही आया था, और ये भी तीन लिंक वाला मेटल ब्रेसलेट ही है दोस्तों। पर इस पर डिफरेंस क्या है, इसका भी मेटल लिंक आपको बड़ा और दोनों साइड वाला लिंक छोटा दिख रहा है, पर इस पर थोड़ा आपको 3D इफेक्ट देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू ऑयस्टर स्टाइल ब्रेसलेट। ये प्रेसिडेंट स्टाइल ब्रेसलेट जो है ये उतना कॉमन नहीं है दोस्तों। कई बार आप जब ब्रेसलेट मार्केट में ढूंढने भी जाओगे, अगर आपको आफ्टर मार्केट ऑप्शन लेना है प्रेसिडेंट ब्रेसलेट का, आपको ऑप्शन बहुत ही कम मिलता है वैसे अगर आप खरीदने जाओगे तो इसीलिए मुझे प्रेसिडेंट स्टाइल ब्रेसलेट बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और मैंने ये सेको स्पीड टाइमर के साथ कोई एक्सपेरिमेंट करने का कोशिश मैंने नहीं किया था, इसी के साथ मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। फिर तीसरा टाइप का जो है जिसको हम लोग बोलते हैं जुबली स्टाइल ब्रेसलेट, ये एक 5 लिंक वाला ब्रेसलेट है दोस्तों। ये जुबली स्टाइल ब्रेसलेट काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं, मोस्टली ये ड्रेस वॉचेस में यूज़ होता है, स्पोर्ट्स वॉचेस में भी आप इसको यूज़ डेफिनेटली कर सकते हो। इसका जो बाहर वाला दो लिंक होता है ये बना होता है, ये थोड़ा बड़ा साइज का होता है, और अंदर वाला जो तीन लिंक होता है ये छोटा साइज का होता है। अगेन ये सॉलिड स्टेनलेस स्टील का अगर बना हुआ है तो इसका प्राइस ज़्यादा हो जाता है, अगर हॉलो लिंक वाला है तो प्राइस सस्ता होता है। देखिए ये वाला जो ब्रेसलेट है, ये वाला ब्रेसलेट का क्वालिटी से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैंने इनवेला बोल के एक वेबसाइट से ये ब्रेसलेट को ऑर्डर किया था और इसका ओवरऑल क्वालिटी फिट एंड फिनिश अच्छा नहीं है दोस्तों। इसका क्लास्प की तरह अगर आप थोड़ा सा नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना दिन तक ये टिकने वाला है बताया नहीं जा सकता। बहुत ही रद्दी टाइप का क्वालिटी का बनाया गया है और ये लोग प्राइस लेते हैं 2,199 रुपीज का। मैंने ये वाला जो ब्रेसलेट अभी जो मेरा ग्रीन कलर का सेको 5 वॉच में आप देख रहे हो, ये एक्चुअली एक बेनियार वॉच से हटा के मैंने इस पे लगाया। ये जो बेनियार वॉच है ये क्रोनोग्राफ वॉच के साथ ये ब्रेसलेट आया था। ये ब्रेसलेट का क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, अगर मैं इनवेला के साथ कंपेयर करूँ वो कुछ 2,200 रुपये का सिर्फ ब्रेसलेट आ जाता है, और ये जो सॉलिड स्टील वाला इसका क्लास क्वालिटी भी अच्छा है। ये वॉच के साथ ब्रेसलेट सब कुछ मिला के 2,490 रुपये का मुझे पड़ा था, तो ऑलमोस्ट सिर्फ ब्रेसलेट के साथ इनवेला का जो ब्रेसलेट का प्राइस है उसके साथ सिर्फ 200 रुपये ज़्यादा डाल के मुझे एक वॉच
और ब्रेसलेट दोनों साथ में मिल गया। तो अगर एक ब्रेसलेट के प्राइस में कंप्लीट वॉच मिलता है तो डेफिनेटली वो लेना चाहिए। तो मैंने यूजुअली ऐसे दिमाग लगा के मैंने ये वाला वॉच उठाया था। तो वॉच लेना मेरा मोटिवेशन नहीं था, ये ब्रेसलेट का मुझे लेना था, क्योंकि मुझे ऑलरेडी एक्सपीरियंस है मेरे को कि जो बेनियार का जो ब्रेसलेट्स होते हैं वो क्वालिटी होते हैं। तो देखिए मैंने ये ऐसे एक्सपेरिमेंट किया। तो ये जो तीन टाइप का ब्रेसलेट के ऊपर हम लोगों ने आज डिस्कशन किया ऑलरेडी, एक है ऑयस्टर स्टाइल ब्रेसलेट, दूसरा है प्रेसिडेंट स्टाइल ब्रेसलेट और ये जुबली स्टाइल ब्रेसलेट। तो आप कहीं से भी ये जैसे जैसे मैंने डिफरेंट तरीका बताया वो ले सकते हो। ये देखिए और एक ब्रेसलेट मैं आपको शो कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं राइस लिंक ब्रेसलेट। ये सेवन लिंक वाला ब्रेसलेट होते हैं, इस पे इसका जो लिंक्स होता है छोटे छोटे राइस के जो ग्रेन्स होते हैं उसके साथ सिमिलैरिटी है बोल के इसको राइस ग्रेन टाइप ब्रेसलेट भी बोला जाता है। टाइमेक्स के वॉचेस में वाइडली इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा आपको। महंगा वॉचेस जैसे कि ओमेगा में भी इस टाइप के ब्रेसलेट का यूज़ बहुत ही ज़्यादा होने को दिख जाता है। मुझे पर्सनली ये राइस स्टाइल ब्रेसलेट भी पसंद है। मैंने ये वाला ब्रेसलेट मैंने जो कुछ दिन पहले ही एक टाइमेक्स का वाइट डायल वाला ऑटोमेटिक वॉच का रिव्यू मैंने मेरे चैनल पर डाला था, उसी से मैंने इसको निकाल के रखा है। और वो वॉच अभी फिलहाल मैं नेटो स्टाइल ब्रेसलेट के साथ पहन रहा हूँ। तो ये राइस स्टाइल ब्रेसलेट भी बहुत बढ़िया है, इसका फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छा है और इसको बेंगली ड्रेस वॉचेस में ही यूज़ किया जाता है। मेटल ब्रेसलेट का एक ही ड्रॉबैक है, इसका जो लेंथ एडजस्टमेंट, स्पेशल टूल का ज़रूरत पड़ता है। कई बार आपको प्रोफेशनल का जो वॉचमेकर्स होते हैं उनके भी हेल्प लेने का ज़रूरत पड़ सकता है। इसको छोड़ के लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए मेटल ब्रेसलेट बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको एक टॉप क्वालिटी का बिल्कुल परफेक्ट फिट एंड फिनिश वाला ब्रेसलेट लेना है ऑफ मार्केट, स्ट्रैप कोड एक लौता ऑप्शन बनता है आपके लिए। पर स्ट्रैप कोड के वेबसाइट्स में जितने भी जो मेटल ब्रेसलेट आपको मिलता है भले ही क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा रहता है। जैसे कि ये जो जुबली स्टाइल ब्रेसलेट जो मैं अभी मेरे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये अगर आप लेना चाहेंगे तो आपको कुछ 5000 रुपीज़ के आसपास खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि ये $62 के आसपास का प्राइस पॉइंट पे मिलता है। 5000 रुपीज़ अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो एक ब्रेसलेट के लिए, तो आपके पास दूसरा जो ऑप्शन आया वो है इनवेला नाम का एक वेबसाइट है इंडिया में, वहाँ पे आपको कुछ ब्रेसलेट का ऑप्शन मिल जाएगा। पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया था क्वालिटी के मामले में उतना अच्छा नहीं है और प्राइस भी रीजनेबल तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि कुछ 2200 रुपये के आसपास के प्राइस पॉइंट में प्राइस तो कम नहीं है, उसके हिसाब से आपको क्वालिटी नहीं मिल पाता है। पर मेरा बेस्ट सजेशन है दोस्तों, आपको अगर कोई एक ब्रेसलेट चाहिए आप जान लीजिए बेनियार नाम का जो ब्रांड है, ये बहुत क्वालिटी फिट एंड फिनिश वाला मटेरियल यूज़ करते हैं और इसका जो स्टेनलेस स्टील का क्वालिटी होते हैं वो भी बहुत ही टॉप क्वालिटी होता है। तो आप अगर कोई एक बेनियार का वॉच अगर आप अमेजन के वेबसाइट से उठाते हैं, पर आपको डिसाइड करने से पहले ये देख लेना पड़ेगा कि उसका लग साइज़ क्या है। जिस वॉच के लिए आप ब्रेसलेट ढूंढ रहे हो उसके साथ अगर लग साइज़ मैच करता है और आपके दिमाग में जो जिस डिज़ाइन है वो डिज़ाइन का अगर ब्रेसलेट आता है, तो इग्नोर कर लीजिए वॉच फेस को और उठा लीजिए उस वॉच को, क्योंकि 2400 रुपये के आसपास इसके क्वार्ट्ज़ वॉचेस आ जाता है, कहीं बार आपको 2000 तक भी मिल जाएगा। और ऑलमोस्ट आप ब्रेसलेट ही खरीद रहे हो इस माइंडसेट के साथ उठा लीजिए ब्रेसलेट को, वॉच से निकाल के आपके जो पसंद का जो वॉच है, जो महंगा वाला वॉच है, उस पर आप ये ब्रेसलेट डाल दीजिए, देख लीजिए बन गया आपका सस्ते में काम आसान। तो एक क्विक रिकैप, सबसे पहले लेफ्ट साइड पे आपको दिख रहा है ऑयस्टर स्टाइल ब्रेसलेट जो यूज होता है स्पोर्ट्स टाइप के वॉचेस में, ड्रेस वॉच में भी आप यूज कर सकते हो। फिर आता है प्रेसिडेंट ब्रेसलेट जो थोड़ा रेयर है, प्राइस भी इसका ज़्यादा है, पर ड्रेस वॉच और स्पोर्ट्स दोनों पर्पस के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तीसरा है जो राइट साइड पर जुबली स्टाइल ब्रेसलेट, मेनली ड्रेस वॉच के लिए बना है, आप स्पोर्ट्स में भी आप यूज़ कर सकते हो। और एक मेटल ब्रेसलेट भी है जो कि राइस स्टाइल मेटल ब्रेसलेट है, वो भी एक ऑप्शन आपका बन जाता है। दोस्तों आज के एपिसोड इतना तक ही है, नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग बात करेंगे नाइलॉन टाइप स्ट्रैप, नेटो स्ट्रैप और रेगुलर स्ट्रैप, सिलिकॉन रबर स्ट्रैप और लेदर स्ट्रैप के बारे में। अगले पार्ट बहुत ही जल्दी मेरे चैनल पर रिलीज होने वाला है। थैंक यू सो मच वीडियो को आपने एंड तक देखा। अगर वीडियो का टॉपिक अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, सोशल मीडिया पे आप शेयर भी कर सकते हैं। चैनल पर अगर नए हो, चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दीजिए। थैंक यू सो मच, जल्द मिलते हैं इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट के साथ।